हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। बीसी वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट आ रहे थे कि सर प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं और जो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा सीरियस अपने बोर्ड को लेकर, अपनी नीट प्रिपरेशन को लेकर, अपनी ITJEE को लेकर, उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है। अगर हम बात करें बेसिकली डाटा बेस्ड, तो इंडिया में लगभग 80-85% स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है, विच इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। आखिर ये होती क्या है प्रोक्रेस्टिनेशन प्रॉब्लम, क्योंकि आज मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं, आज मैं आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ देने आया हूं और ये मेंटल स्ट्रेंथ आपको मेंटली प्रिपेयर करेगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको बार-बार कहता हूं कि आपकी फिजिकल प्रिपरेशन जितनी बेहतर है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर प्रिपरेशन आपकी मेंटल प्रिपरेशन होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रॉस करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए। तो उस टारगेट को अचीव करने में प्रोक्रेस्टिनेशन एक बिग प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस प्रॉब्लम का सलूशन आज मैं आपको दूंगा और बताऊंगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होती है। अगर आपके भी लाइफ में आप भी परेशान हैं इस प्रॉब्लम से, तो इसके सलूशन निकालने का तरीका आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो ये वीडियो बेसिकली 9th 10th 11th 12th जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वीडियो उनके लिए है। बट बेसिकली ये बोर्ड वाले स्टूडेंट्स की डिमांड पे बनाया गया है। उनकी प्रॉब्लम क्या है? सर, मैंने टारगेट किया था कि कल सुबह 5 बजे उठ के मुझे केमिस्ट्री का ये चैप्टर कंप्लीट करना है, और सर मैं 5 बजे नहीं उठ पाया। और हुआ क्या, पूरे दिन निराशा, एंजाइटी, स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि मैंने एक टारगेट सेट किया और मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया। यही चीज प्रोक्रेस्टिनेशन है। अगर बेसिकली हम बात करें प्रोक्रेस्टिनेशन की हिंदी क्या होती है, तो आप सभी जानते हैं टालमटोल करना, किसी चीज को टाल देना, किसी चीज में देरी करना। जैसे आपने टारगेट किया कि कल सुबह 5 बजे उठकर मुझे ये पूरा चैप्टर की केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कर लेनी है, और आपका ये टारगेट था, और आप 5 बजे नहीं उठ पाए। अलार्म तो बजा, लेकिन अलार्म को डिसमिस कर दिया आपने, और अलार्म को जैसे ही आपने डिसमिस किया, उसके बाद आप फिर से सो गए। आपकी आंख खुली 7 बजे। जब 7 बजे आपकी आंख खुलेगी, तो किसी भी प्रकार की हैप्पीनेस आ ही नहीं सकती, माय डियर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि आपने एक टारगेट सेट किया था कि कल सुबह मॉर्निंग में मुझे 5 बजे उठकर यह चैप्टर कंप्लीट करना है। तो ना तो वो चैप्टर कंप्लीट हुआ, ना तो आपका डिटर्मिनेशन कंप्लीट हुआ। अब आप सोचोगे कि सर यही प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये तो मेरे साथ रोज होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, घबराइए मत। अगर रोज होता है तो इसका सलूशन भी मिलेगा, लेकिन रोज मत होने दीजिए, क्योंकि अकेले एक शब्द, अकेले एक वर्ड जिसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, ये बहुत सारे तरह से अफेक्ट करता है आपके मेंटल स्ट्रेंथ को। आप बोलेंगे सर कैसे? माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोक्रेस्टिनेशन, जब आप किसी चीज को टाल देते हो, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा लूज हो जाता है। आप बोलोगे ये कैसे? आपके मन में विचार आएगा कि यार, मैंने 5 बजे उठने की बात की थी, अगर मैं 5 बजे उठ नहीं पाया, मैं पढ़ नहीं पाया, तो मैं क्या बहुत बड़ा गोल अचीव करूंगा? आपकी अंतरात्मा ये बोलेगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस वहीं पर डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहला साइड इफेक्ट है प्रोक्रेस्टिनेशन का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का डिक्रीज होना। वहीं पर हम बात करें अगर सेकेंडरी ये और क्या करता है, तो स्टूडेंट्स ये आपकी कंसिस्टेंसी को भी डिक्रीज करता है। आप बोलोगे सर ये कैसे? जब आप 5 बजे उठ नहीं सकते, आप अपने टारगेट को सेट किए थे, उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो जब भी आप बात करोगे किसी बड़े एम की, किसी बड़े टारगेट की, तो मन से आवाज आएगी कि हम कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर कंसिस्टेंट होते तो हम ये सुबह उठकर और आज हम पढ़ लिए होते। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे तो सर इसके लिए कैसे क्या करें कि ये प्रॉब्लम ही दूर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है। तो मैं उसका भी सोल्यूशन दूंगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और क्या प्रॉब्लम होगी माई डियर स्टूडेंट्स? आपकी बिल पावर डिक्रीज होगी। बिल पावर क्यों डिक्रीज होगी? जब आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, तो किसी चीज को पाने की इच्छा घट जाएगी। आपको लगेगा यार, मैं जब एक चैप्टर नहीं पढ़ पाया, तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री, पूरी की पूरी फिजिक्स कैसे खत्म करूंगा। तो आपकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिसको हम विल पावर कहते हैं, और विल पावर दुनिया की एक ऐसी चीज है जिससे हम किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं, तो हमारी वो भी डिक्रीज होगी। इट मींस अकेले एक प्रॉब्लम व्हिच इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन, ये अफेक्ट करते हैं हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को, हमारे कंसिस्टेंसी को, हमारे विल पावर को। और विल पावर के डिक्रीज होने से हमारा कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होता है। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड कैसे डिक्रीज होता है? उस चीजों से हमारी जो इंटरेस्ट है, उन चीजों से, जैसे हमको ये चैप्टर खत्म करना था, हमारा टाइम टेबल ये, हमको इसको कंप्लीट करना है, उन चीजों से हमारा माइंड सेट हटने लगता है। इसका मतलब डाइल्यूशन आने लगता है हमारे माइंड सेट में। जिस चीजों पर हम निश्चित रहते हैं कि ये चैप्टर मुझे खत्म ही करना है, उस चीजों के प्रति हमारा कम लगाव होता है। अरे यार, हो जाएगा, उठ तो। इस प्रॉब्लम से, प्रोक्रेस्टिनेशन से आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो जाता है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट डिक्रीज हो जाता है, आपकी विल पावर डिक्रीज हो जाती है, आपकी कंसिस्टेंसी डिक्रीज हो जाती है, और आप जो
टारगेट अचीव करना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों, वो टारगेट नहीं पा सकते। इसलिए मैं हर स्टूडेंट्स को कहता हूँ, बहुत ही माइन्यूट लेवल पर सोचिएगा कि क्या आपके साथ भी प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम होती है। अगर होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लिखिएगा और सोल्यूशन अभी के अभी मैं आपको दूंगा। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आपको पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम कल सुबह 7 बजे है, तो क्या आप 7 बजे भी प्रोक्रेस्टिनेशन लगाते हैं? कल आप तैयार होकर एग्जाम देने नहीं जाते, वो भी सोचते हैं मैं बाद में दे दूंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ, आप तुरंत तैयार होते हैं और पहुंच जाते हैं। इसका मतलब क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम डेफिनेट टाइम पे होगा, वो बाद में पॉसिबल नहीं है। अगर सारे एम को, सारे छोटे छोटे टारगेट को हम उसी बोर्ड एग्जाम की तरह लें, उसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह लें और इसी तरह से डिटरमाइन करें कि जाना तो है ही, देयर इज नो एनी ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन ही हो, तो क्या हम इस प्रॉब्लम को फिर से फेस करेंगे? नहीं करेंगे। इसका मतलब कि हम जो भी टारगेट बनाएं उसमें ऑप्शन दे ही ना, ऑप्शन क्या ना दे कि ये चीज हम बाद में भी कर सकते हैं, हम फुल्ली डिटरमाइंड रहे। और फुल्ली डिटरमाइंड रहने का बस एक तरीका है, अंदर की जो विल पावर है उसको इंक्रीज कर ले। और प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बताऊं, अगर आपका विल पावर इंक्रीज हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ही इंक्रीज होगा। और जब हम छोटे छोटे टारगेट कंप्लीट करेंगे तो हमको रिवार्ड मिलते हैं और फिर हमको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी बड़ा टारगेट क्यों ना हो। क्योंकि ये पूरी दुनिया रिवार्ड पर बेस्ड है। आप किसी काम को करते हो, पैसा मिलता है तो काम करने में मन लगता है। ठीक उसी कर, आपने कोई टारगेट सेट किया कि ये काम करना ही करना है, आपने उसको कर लिया, अंदर से खुशी आई, सेल्फ कॉन्फिडेंस आई, यार जब मैंने ये चीज कर ली तो मैं नेक्स्ट चैप्टर भी सॉल्व कर सकता हूं। फिर आप नेक्स्ट टारगेट सेट किए, उसको भी कंप्लीट किया, अब आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो गए, मैं कुछ भी कर सकता हहूं, पढ़ना ही तो है, कौन सा बहुत बड़ा काम है। मैंने 3 चैप्टर 3 डेज में कंप्लीट किए और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाता है। और ऐसे ही बच्चे बोर्ड में कुछ बड़ा कर पाते हैं, ऐसे ही बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को बीट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कभी भी निराशा, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सारी चीजों की दिक्कत नहीं होती। और इन सारी चीजों की दिक्कत हटाने के लिए आप लाइफ में ये एक चीज हटा दीजिए, ऑप्शन, ऑप्शन नाम की चीज हटा दीजिए। आप बस ये सोचिए कि कल सुबह मुझे अगर 6 बजे उठना है तो उठना ही है, मुझे ये करना है तो करना ही है, देयर इज नो एनी ऑप्शन। और जिस दिन आप ऑप्शन लेके चलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम आती रहेगी। और इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन मैं आपको बताऊं, टारगेट इतना छोटा कर लो, टारगेट मिनिमाइज कर लो, टारगेट मिनिमाइज कर लो। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हैं, मेरा टारगेट है बोर्ड में 95% लाने का, तो सर मैं कैसे मिनिमाइज कर लूँ? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मिनिमाइज करने का मतलब ये है कि अगर आपने टारगेट किया कि मुझे सुबह 6 AM पर उठकर और मुझे 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, तो जानते हो आप क्या बोलोगे, आप रजाई में लेटे रहोगे और मन से आवाज आएगी, उठ तो जाऊंगा लेकिन 1 चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मुझे फिर से नींद आ जाएगी, इससे बढ़िया सो लेता हूं, बाद में पढ़ लूंगा। लेकिन अगर वही टारगेट एकदम मिनिमाइज, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड कर दो, तो आपको ये प्रोक्रेस्टिनेशन दूर हो सकती है। आप बोलोगे सर ये कैसे, 6 बजे उठना हो सकता है आपके लिए बड़ा टारगेट लगता हो, बड़ा चैलेंज लगता हो, तो छोटे छोटे चैलेंज लो। जैसे हम 6 बजे नहीं उठ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, हम 7 बजे उठेंगे। आप 7 बजे उठिए, पूरा चैप्टर नहीं, केवल एक आंसर आपको लिखना है, पूरा चैप्टर नहीं, केवल 5 MCQ आपको करना। आप ये टारगेट करिए कि कल सुबह 6:30 बजे या 7 बजे जगकर मुझे केवल 5 MCQs करने हैं। तो आपको ये बहुत ही छोटा टारगेट लगेगा, बहुत ही छोटा गोल लगेगा, तो आप क्या करो, इसमें क्या यार, ये तो कर दूंगा, तो आप 6:30 बजे उठोगे, 5 MCQs कर दोगे, फिर आपको लगेगा जब मैं 5 MCQ कर ही दिया हूं तो 5 और कर लूं क्योंकि मन लग गया। फिर नेक्स्ट डे आप बोलोगे अरे कल मैं 6:30 बजे का टारगेट सेट किया था और कल मैं 6:30 बजे जग गया हूं, एक काम करता हूं, आज 6 बजे का टारगेट सेट करता हूं और आज 15 MCQ इस चैप्टर से करूंगा। तो आप कल 6 बजे का टारगेट सेट करोगे क्योंकि आज आपने अपने एम को पूरा कर लिया है, आज आप अपने मिनिमाइज टारगेट को कंप्लीट कर लिया है, तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आएगा, विल पावर और मजबूत होगी कि यार कल मैंने किया था, आज फिर मैं करके दिखाऊंगा। और नेक्स्ट डे आप 15 MCQ करोगे 6 AM पे और फिर आप 5 AM पर भी जग सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बन गई, आप कर सकते हो। तो कभी भी कहीं भी जाना है तो डायरेक्ट छत पर पहुंचने की कोशिश मत करिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा आप छोटे छोटे स्टेप में अपने गोल को डिवाइड कर लीजिए। और छोटे छोटे स्टेप में जब गोल को डिवाइड करोगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम से बच जाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा तरीका दिया गया और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी किया गया, ये तरीका सबसे जेन्युइन तरीका है सॉल्विंग करने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की, प्रोक्रेस्टिनेशन की।
सिंपल वे में कहूं कि अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम से बचना है, बोर्ड में 95% या 99% गेन करना है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बीट करना है, एक ह्यूज सिलेबस को कवर करना है, तो सिलेबस जितना छोटा हो पाए उतने टुकड़ों में बांटिए। और ये जो माइंड को हैक करने का तरीका है मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, उसको हैक कैसे करिए, जब टारगेट एकदम छोटा रहेगा, जब आपके मन में बस ये रहेगा कि मुझे सुबह उठ के केवल 5 मिनट रिवाइज करने हैं, तो आपको आलस नहीं लगेगी। लेकिन अगर वही आपका टारगेट ये है कि सुबह उठ के मुझे 5 चैप्टर रिवाइज करने हैं, तो माइंड कहेगा यार बहुत बड़ा काम है, अभी सो लेता हूं, क्योंकि नींद भी खराब हो जाएगी, पढ़ भी नहीं पाऊंगा, और फिर आपको न रिवार्ड मिलेगा, ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ना विल पावर जनरेट होगी, और विदाउट विल पावर कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती। इसका मतलब टारगेट छोटा करिए, प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करिए, प्रोक्रेस्टिनेशन दूर होते ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा बिल्डअप होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस के आते ही आप किसी को बता सकते हो कि मैंने आज इतनी इतनी चीजें की, मुझे रिवार्ड मिला, क्यों, मन ही मन मिला, मुझे नहीं पता आपको कितना मिला, जो मन की खुशी होती है वो कोई नहीं दे सकता। और जब रिवार्ड मिलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, विल पावर बिल्डअप होगी, तो सक्सेस खुद ही बिल्डअप होगी, ये चीज होती है। और कंसिस्टेंसी तो खुद ही बिल्डअप होगी, जब आप रोज रोज अपने टारगेट को अचीव करोगे तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यकीन मानिए कि आप बोलोगे मैं कुछ भी कर सकता हूं। और अगर मुझसे पूछे कि सक्सेस के लिए क्या जरूरी है, तो बेसिकली बहुत लोग बताते हैं कि सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है, रेगुलरिटी जरूरी है, वो सारी चीजें तो जरूरी ही हैं। अगर मैं आपसे कहूं तो सक्सेस के लिए स्टार्टिंग जरूरी है, आप बोलोगे सर ये क्यों, क्योंकि एक रॉकेट जो होता है, आप सभी को पता होगा कि ये हमारी धरती है, यहां से जब एक रॉकेट निकलता है तो 90% एनर्जी इस रॉकेट को लॉन्च करने में लगता है, और 10% एनर्जी में ये रॉकेट जो है धरती की कक्षा को छोड़कर, धरती के क्लास को छोड़कर और आसमान में चला जाता है, जहां भी इसको जाना होता है स्थापित हो जाता है। तो अगर आपसे बोलूं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ है, तो किसी चीज़ को स्टार्ट करने में, तो सक्सेस के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी तो बाद में आएगी, सबसे पहले स्टार्टअप होता है। आप स्टार्ट ही नहीं किए तो कंसिस्टेंसी का जन्म कहाँ होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना आपको किसी भी चीज़ शुरू करना है, तो समय मत देखिए कि कितना बज रहा है, क्या करना है, कल से शुरू करेंगे, क्योंकि परफेक्शन ढूंढोगे तो कभी शुरू नहीं कर पाओगे। इसलिए जब भी चीजें मन में आए उनको शुरू कर दो, सबसे पहली चीज, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी स्टार्टिंग में लगती है। और आपने स्टार्ट कर दिया तो कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी तो आपके कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करेगी, आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगी, आपके विल पावर पर डिपेंड करेगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सक्सेस के लिए सबसे जरूरी पॉइंट क्या है, तो सक्सेस के लिए सबसे जरूरी पॉइंट है स्टार्टिंग करना। तो आज ही आप स्टार्टिंग करिए, जो चीज लगती है बिल्कुल मत घबराइए, 5 मिनट पढ़िए, 7 मिनट पढ़िए, धीरे धीरे आप कंसिस्टेंसी बढ़ाते जाएंगे और बड़े से बड़ा चैप्टर आपका गुलाम होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपकी ये जो प्रॉब्लम थी प्रोक्रेस्टिनेशन प्रॉब्लम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, स्टूडेंट्स के स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं, इस प्रॉब्लम की बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को फिजिकल नॉलेज तो बहुत सारी मिल जा रही है, उनको फिजिक्स केमिस्ट्री के सिलेबस बहुत जगह मिल जा रहे हैं, पर ये जो मेंटल नॉलेज है उनको बताने वाला कोई नहीं है। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आपका टीचर गूगल केमिस्ट्री, मैं सोमेश सिंह हमेशा आपके साथ हूं। आप जो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, सर बोर्ड के लिए मेंटली ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस पर ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। वीडियो अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना टारगेट है बोर्ड एग्जाम में, और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।